गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर इन टू स्टेप्स। कभी कभी जब हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आती है। समर में अक्सर सनलाइट के कांटेक्ट में आने से हमारी स्किन ऐसी हो जाती है। तब हमें ज़रूरत होती है तुरंत डीप केयर की, जिससे हमारी स्किन फिर से हेल्दी दिखे। हफ्ते में एक बार इन टू स्टेप्स को फॉलो करके आप फिर से अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन दो स्टेप्स के लिए टाइम नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई किसी भी एक स्टेप को चूज़ कर सकते हैं। वन, उसके लिए हमें लेना है डिस्टिल्ड वाटर, या आप बॉइल्ड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ACV को इस अपने स्किन टाइप के हिसाब से पानी के साथ मिक्स करके आपको यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 टेबल स्पून ACV के साथ 1 टेबल स्पून वाटर को ऐड करना है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो एक 1 टेबल स्पून ACV के साथ आपको 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो 1 टेबल स्पून ACV के साथ आपको 3 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है। यहाँ पर मेरी स्किन सेंसिटिव है इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून वाटर को ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा ACV एसिटिक होता है, इसलिए हमें इसे डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही हमें अपने स्किन पर अप्लाई करना है। इसे हमें फेस पर एज ए टोनर अप्लाई करना है। एक कॉटन की बॉल लेकर उसमें हम डिप करेंगे इस मिक्सचर में, और इससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। पूरे फेस पे, ऑल ओवर फेस पे हमें ये टोनर अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हम इसे सूखने देंगे। ACV जो होता है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, जो कि पिंपल्स को सूखने में मदद करता है। कुछ लोग की स्किन में pH लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जो कि स्किन को डैमेज करता है। ACV pH लेवल को मेंटेन करता है, pH स्पेक्ट्रम को बनाए रखता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होते हैं, पिंपल्स भी नहीं आते हैं और आपकी स्किन ग्लोइंग नज़र आती है। इस मिक्सचर को फेस पे अप्लाई करने के बाद हमें इसे ऐसे ही रहने देना है कुछ टाइम के लिए, जिससे ये हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो भी पिंपल्स हो उन्हें रिमूव कर दे। और उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 में अब हम बनाने वाले हैं एक फेस पैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हमारी स्किन के लिए। उसके लिए हमें लेना है एक बाउल, उसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो स्किन प्रॉब्लम को सही करता है, साथ में एक्ने प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फेस को क्लीन करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, साथ ही न्यू सेल्स को मजबूत करता है, डार्क स्पॉट को लाइटन करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड डार्क स्पॉट को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून लेमन। इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है और हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो कि एक स्किन टोनर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट को मैं मिक्स करके अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, जो कि आसानी से हमारी स्किन पर स्प्रेड हो सके। हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा फाइन पेस्ट है और बहुत ही अमेजिंग फेस पैक है, आप यूज़ ज़रूर करिएगा। अब इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ। फेस पैक को लगाने के लिए यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिंगर्स से अच्छे से आप अपने फेस पे फेस पैक को स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो मैं ऑल ओवर फेस पे ये फेस पैक अप्लाई कर लूँगी। पूरे फेस पे फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से हमारे फेस पे सूख जाए।